आलू के पराठे बनाने के लिए हमने आलू को अच्छे से वो स्मैश कर लिया है। उसके बाद हमने कटी हुई मिर्च को काट लिया है, और उसके बाद हमने धनिया का पत्ता काट लिया है और प्याज को भी काट लिया है, चॉपिंग कर लिया है। इसके बाद हम लोग एक प्लेट में लाल मिर्च और को फ्राई कर लेते हैं, उसे ले लेंगे, थोड़ा सा तेल भी ले लेंगे, उसमें हल्दी डाल देंगे। उसके बाद अजवाइन और मंगरेला जो होता है हम लोग वो थोड़ा थोड़ा डाल देंगे, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। इसे ज़रूर यूज कीजिएगा बनाने में। और उसके बाद हम देखिए हमने यहाँ पे ले लिया है, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इस, और आपको इसके लिए आप इसका ग्लास भी यूज कर सकते हैं, ग्लास का भी यूज कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम लोग नमक भी डाल लिए हैं, यहाँ मेरी मम्मी बना रही है और बहुत ही टेस्टी बनाती है, क्रंची, तो आप ज़रूर इसे बनाइएगा। और इन लोग अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो कटी हुई हरी मिर्च है उसे भी हम लोग इसमें अच्छे से मिला लेंगे। देखिए हम लोग सबको साथ में अच्छे से कर लेंगे। और उसके बाद फिर बाकी जो कटी हुई प्याज और धनिया का पत्ता था वो भी, उसे भी हम लोग इसमें डाल लेंगे अच्छे से, और उसे फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे कि हर जगह इसका फ्लेवर पहुंच जाएगा और काफ़ी स्पाइसी बनेगा। और उसके बाद हमने जो आलू था स्मैश किया हुआ वो भी हमने ले लिया है, और इसे सभी को फिर से बेल मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद उसके बाद हम लोग आटा तैयार करेंगे। आटा बनाने में एक थोड़ी सी ट्रिक है जिससे करंची बनेगा आपका आलू। इसमें आप 1/5 या 1/6 पार्ट आप चावल का आटा मिलाइएगा, जिससे कि उस क्रंची क्रंचीनेस उसी से आती है। और इसे घी में ही बनाइएगा तब अच्छा रहेगा। ये देखिए मम्मी ने एक तैयार कर लिया है, और यहाँ देखिए एक कढ़ाई में रखा हुआ है, और देखिए कितना क्रंची लग रहा है, देखने में काफ़ी टेस्टी है। और उसके बाद हम लोग देखिए, मैं दूसरी साइड भी दिखाता हूँ, और ये देखिए इसमें यहाँ थोड़ा सा निकल गया है, ये तो होना ही है, जानते हैं आप। अब हमने यहाँ पे दूसरा डाल लिया है, और देखिए अब इसमें हम लोग घी डालेंगे। घी डालिए, घी से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, तेल की बजाय घी में डालना ज़्यादा सही रहेगा। और इसे हमने अब देखिए यहाँ पे घी लाएंगे और उसके घी को डालेंगे, मम्मी ही मेरी डाल रही है घी, और यहाँ दूसरी साइड भी डाल देंगे। और इस तरह से विधि जब बनाइएगा तो आपको काफ़ी टेस्टी बनेगा। आप इसके साथ चटनी ले लीजिएगा, टमाटर की चटनी बेस्ट रहेगी, या केचप भी यूज कर सकते हैं अगर चटनी नहीं बनानी है तो, उसके साथ सर्व कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये देखिए यहाँ एक साइड हल्का हो गया, तो हम दूसरी साइड पलट देंगे इसे, एक दो बार और फिर कर देंगे ऊपर से ऊपर नीचे पलट कर। और यहाँ देखिए दूसरी जो पहले तैयार हो चुकी थी ये रही, वो इसकी क्रंचनेस देखिए काफ़ी मस्त है, ट्राई कीजिएगा। और यहाँ फिर हम लोग इसे सर्व कर लेंगे टमाटर की चटनी के साथ, और देखिए